हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आजकल वेडिंग का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल फॉर लहंगा। तो गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा शौक होता है लहंगा पहनने का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो फर्स्ट वे इज़ कि आप ये जो दुपट्टा होता है इसे टक इन कर लें लहंगे में एंड इसको पीछे वाले दुपट्टे को खुला छोड़ दें। एंड मेक श्योर कि आपका दुपट्टा थोड़ा छोटा हो, क्योंकि जैसे मेरा ये बहुत बड़ा है तो ये थोड़ा नीचे ही आ रहा है धरती पर, पूरा ही ग्राउंड ही साफ़ कर देगा, इसलिए थोड़ा छोटा लें। एंड सेकंड इज़ कि अगर आपको नहीं चाहिए खुला हुआ और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप इसको जो बचा हुआ दुपट्टा है उसको भी लहंगे में ही टक इन कर सकते हैं, जैसे कि आजकल लेडीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ करती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है एंड बहुत अच्छा लगता है, एकदम इंडियन वेडिंग स्टाइल लगता है। सो थर्ड वन इज़ कि आप इसको रहन दें और आप ये हाथ में टक इन कर सकते हैं, तो पिन की हेल्प से या फिर आप बैंगल में भी इसे टक इन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आप देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था मेरे को तो। एंड फोर्थ वन इज़ कि आप ऐसे मतलब बड़ी बड़ी प्लेट बना लें इसकी दुपट्टे की अच्छे से एकदम। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ज़्यादा अच्छे से उसको बनाई नहीं है, फिर बाद में मैंने ऐसे बनाई। एंड अगर आपके पास बेल्ट है तो आप बेल्ट यूज़ करें, वरना ऐसे आप बिना बेल्ट के भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ दें। और आप बेल्ट को इसी भी यूज़ कर सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत लहंगे से मैच कर जाए। एंड दिस इज़ द स्टाइल। एंड फिफ्थ वन इज़ कि आप जैसे मैंने पहले मैं थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स बना ली थी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पतली पतली प्लेट्स बनानी है छोटी छोटी सी, एंड आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। एंड आप इसको ब्लाउज़ में ही टक इन कर लें, ये मेरी फेवरेट स्टाइल है और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इसे यूज़ कर रही हैं आजकल। एंड दिस इज़ द स्टाइल। आप इसको टक इन करें, पीछे वाले दुपट्टे को खुला छोड़ दें फॉर क्लासी लुक। एंड दिस इज़ द स्टाइल, आई होप यू लाइक इट। एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। एंड सिक्स वन इज़ कि जैसे मैंने पहले ब्लाउज़ में टक इन करा था, आज आप इसको लहंगे में टक इन कर लें, चाहें तो बेल्ट यूज़ करें, अदरवाइज़ बेल्ट यूज़ ना करें अगर आपके पास नहीं है तो। और ज़रूरी नहीं है कि शोल्डर से आप इसको बिल्कुल शोल्डर पर ही रखें, आप इसको खुला भी छोड़ सकते हैं, जैसे खुले पल्लू होते हैं ना वैसे। और चाहे तो बेल्ट लगा लें आपके पास जो भी अवेलेबल हो, नहीं है तो आप बेल्ट का यूज़ ना करें। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दुपट्टा थोड़ा छोटा लें। एंड सेवेंथ वन इज़ मोस्ट कॉमन है ये, आप मतलब जिसका बैकलेस ब्लाउज है जो मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो आप ऐसे करके इसको डाल सकते हैं। मेरा ट्रांसपेरेंट दुपट्टा है तो ऑफकोर्स सब कुछ दिखता है उसमें से, लेकिन अगर आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अगर बैकलेस ब्लाउज नहीं दिखाना है तो आप ऐसे इसको डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम क्लासी लुक आता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड एट्थ वन इज़ दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। एंड जिसको दुपट्टा थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ढकना है आगे से चेस्ट वगैरह, तो आप ऐसे करके डाल सकते हैं बिल्कुल। एंड यहाँ पे बेल्ट लगा लें, क्योंकि ऐसे तो बॉयज़ डालते हैं ऑफकोर्स सी बात है, लेकिन गर्ल्स की स्टाइल में डालना है तो पहले तो इसकी ढंग से प्लेट बनाएं। मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं ऐसी वीडियो शूट कर रही थी, मैं कहीं जा नहीं रही थी। सो यहाँ पर प्लेट बना लें और ऐसे करके बेल्ट लगा लें। और यहाँ पर मेरा इयररिंग गिर गया वीडियो शूट करते करते, तो मैंने पहन लिया। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड डेट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।